मैं हूं आयुष्मो और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बच्चों के अधिकारों की सर्वोच्च संस्था ने रियलिटी शो का प्रसारण करने वाले एन टीवी की जांच करनी शुरू कर दी है। सिंगर पैपॉन के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत चैनल द्वारा ना किए जाने को लेकर ये जांच की जा रही है। दरअसल नाबालिग बच्ची को गलत तरीके से किस किए जाने की शिकायत सुप्रीम कोर्ट की एक वकील ने की है। NCPCR ने कहा कि हमने इस मामले पर संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में चैनल और आरोपी दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी बीच बच्ची के पिता का बयान सामने आया है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। एक वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक पूरे मामले पर बच्ची के पिता ने गायक पैपॉन का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पैपॉन मेरी बच्ची के मेंटोर है, वो उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वीडियो में जो भी दिखा वो जानबूझकर नहीं किया गया है। वीडियो को ज्यादा ना फैलाएं। वायरल वीडियो खुद पैपॉन ने फेसबुक पेज पर शेयर किया था, जिसमें वो कंटेस्टेंट सिंगर्स के साथ लाइट मोमेंट शेयर करते दिख रहे हैं। पैपॉन ने इस लाइव वीडियो के दौरान जूनियर कंटेस्टेंट को किस किया था। पैपॉन के इस किस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने विरोध जताया और ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि द वॉइस इंडिया किड्स शो के शूट के दौरान का ये वाकया है। वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील रूना भुयान ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में गायक पैपॉन के खिलाफ शिकायत की। इस शिकायत में कहा गया है कि जिस समय वैन के अंदर पैपॉन होली खेल रहे थे, उस समय उनके क्रू मेंबर के साथ कोई भी महिला सदस्य नहीं थी। इसी दौरान पैपॉन ने एक बच्ची को पहले तो रंग लगाया और उसे गलत तरीके से किस किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।